अतुल को न्यू इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने 4 दिसंबर 2018 को अतुल सहाय को न्यू इंडिया इंश्योरेंस का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह ओरिएंटल बीमा में महाप्रबंधक हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई 2019 के मध्य तक एसएलआर में 18% तक कटौती करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी 2019 से प्रत्येक तिमाही में वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर 0.25% कम करेगा। एसएलआर में कमी इसके 18% तक पहुंचने तक जारी रहेगी। वर्तमान एसएलआर 19.5% है। इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों में फंसी पूंजी जारी होने की संभावना है। एसएलआर उस पूंजी का हिस्सा है जिन्हें बैंकों को स्वर्ण भंडार और सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रणाली पर नए मानदंड। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़े उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कुल फंड आधारित कार्यशील पूंजी सीमा वाले उधारकर्ताओं पर 40% न्यूनतम स्तर का ऋण घटक लागू होगा। 1 जुलाई 2019 से 40% ऋण घटक को 60% तक संशोधित किया जाएगा। ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होंगे। एससी द्वारा गवाह संरक्षण योजना अनुमोदित, सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2018 को भारत सरकार के गवाह संरक्षण योजना 2018 मसौदे को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके जीवन और प्रतिष्ठा के खिलाफ किसी भी खतरे से बचाना है। इसने कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत एक कानून होगी। इसने सभी राज्यों से इस योजना को लागू करने के लिए भी कहा। सरकार ने तस्करी से निपटने के लिए स्कोर को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के तहत एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर स्कोर को मंजूरी दे दी है। स्कोर भारत सरकार को राष्ट्रीय तस्करी विरोधी नीति तैयार करने में सहायता करेगा। BSF, ITBP, असम राइफल्स, SSB और तट रक्षक जैसी सभी सीमा एजेंसियां स्कोर की सदस्य होंगी। 2017 में भारत द्वारा दिए गए पेटेंट 50% बड़े अंक 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो ने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2018 रिपोर्ट जारी की। 2017 में भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या में 50% तक की वृद्धि हुई। भारत द्वारा दिए गए पेटेंट 2016 में 8,248 से बढ़कर 2017 में 12,387 हो गए। चीन के पेटेंट प्राधिकरण ने पेटेंट की सबसे बड़ी संख्या दी और इसके बाद अमेरिका का स्थान था। ऋणों को बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव दिया कि ऋण पर अस्थायी ब्याज दरों को रेपो दर या ट्रेजरी उपज जैसे बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा। नए दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे। वर्तमान में बैंक मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट MCLR, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट BPLR और प्राइम लैंडिंग रेट PLR सहित आंतरिक मानकों की एक प्रणाली का पालन करते हैं। जी वेंकट सुब्बिया को दक्षिण का भाषा सम्मान 5 दिसंबर 2018 को दक्षिण 2017 के साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान के लिए जी वेंकट सुब्बिया को चुना गया है। यह पुरस्कार प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान की मान्यता में दिया गया है। भाषा सम्मान के अन्य विजेता उत्तर क्षेत्र के लिए योगेंद्र नाथ शर्मा, पूर्वी क्षेत्र के लिए गगेंद्र नाथ दास और पश्चिम क्षेत्र के लिए शैलजा बापत को सम्मानित किया गया। भारत और पेरू के बीच समझौते पर हस्ताक्षर 5 दिसंबर 2018 को सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर भारत सरकार और पेरू सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह दोनों देशों के सीमा शुल्क प्राधिकरणों के बीच सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके दोनों देशों के बीच व्यापार की सुविधा और माल की कुशल निकासी सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
आरबीआई लोकपाल योजना को लागू करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक नियामक क्षेत्राधिकार के तहत आने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना लागू करेगा। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक लागत मुक्त तंत्र प्रदान करना है। यह योजना जनवरी 2019 के अंत तक अधिसूचित की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया समिट का आयोजन किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और गोवा सरकार 7 दिसंबर 2018 को गोवा में वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल समिट आयोजित करेगी। समिट का विषय मोबिलाइजिंग ग्लोबल कैपिटल फॉर इनोवेशन इन इंडिया है। यह आयोजन दुनिया भर से निवेश प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टार्टअप अवसरों का प्रदर्शन करेगा। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप आधार है। भारत कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के प्रक्षेपण के अनुसार भारत दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। 2017 में कार्बन डाइऑक्साइड के शीर्ष चार उत्सर्जक चीन 27%, 15%, यूरोपीय संघ 10% और भारत 7% थे। इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि 2018 में उत्सर्जन 6.3% तक बढ़ने की उम्मीद है। पुणे कोटि भुगतान सुविधा प्राप्त करने वाला पहला है। पुणे जिला और सत्र अदालत भारत में भुगतान प्रणाली शुरू करने वाली पहली अदालत बन गई है। यह भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता लाने में मदद करेगा। विभिन्न मामलों के लिए वकील और वादी ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम होंगे। ई भुगतान सुविधा https://pay.gov.in/app पे उद्धरण पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सीएम द्वारा निःशुल्क तीर्थ योजना शुरू की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के शहर निवासी अपने पति पत्नी के साथ मुफ्त तीर्थयात्रा लेने के लिए पात्र होंगे। दिल्ली सरकार हर वर्ष तीर्थयात्रियों का खर्च वहन करेगी। इस योजना का लाभ उठाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। एस रामकृष्ण ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तमिल लेखक एस रामकृष्ण ने 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 जीता है। उन्हें उनके उपन्यास संचारम के लिए सम्मानित किया गया है। उपन्यास नादस्वरम के कलाकारों के जीवन से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखकों को सभी शैलियों और भाषाओं में उनके कार्यों के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक है। SBI EPFO का कोष प्रबंधक नहीं रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI मार्च 2019 के बाद सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO के कोष प्रबंधक का काम नहीं करेगा। RBI के नियमों के मुताबिक एक बैंक एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में काम नहीं कर सकता है। वर्तमान में SBI, ICICI सिक्योरिटीज, प्राइम मरी डीलरशिप, रिलायंस कैपिटल, HSBC, AMC और AMC EPFO के कोष प्रबंधक हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट पहल की शुरुआत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र की कृषि व्यवसाय की स्थिति और ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। स्मार्ट पहल का उद्देश्य कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करना है, जिसमें 1000 गांवों में सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह पहल विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। फिच ने भारत की वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.2% किया। 6 दिसंबर 2018 को फिच रेटिंग्स द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी की गई थी। रिपोर्ट में अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्रमशः 7% और 7.1% होनी चाहिए। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में GDP की वृद्धि 7.2% होनी चाहिए। 2017-18 के वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7% बढ़ी। सितंबर 2018 में रेटिंग एजेंसी ने 2019-20 और 2020-21 की GDP वृद्धि की भविष्यवाणी की थी।
एडीबी ने विश्व बैंक के साथ अपव्यवस्था में प्रवेश किया। एशिया विकास बैंक एडीबी ने 6 दिसंबर 2018 को विश्व बैंक के साथ वैकल्पिक खरीद व्यवस्था अपव में प्रवेश किया है। यह नई व्यवस्था पूरी परियोजना के लिए एकल ढांचे को लागू करके सह वित्त पोषित परियोजनाओं को अधिक कुशलता पूर्वक कार्यान्वित करने में सक्षम करेगी। यह एडीबी के ग्राहकों के लिए लेन देन लागत को कम करेगा। नासा का एक्सबेनु क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा। नासा का उत्पत्ति स्पेक्ट्रल व्याख्या संसाधन पहचान सुरक्षा रेगोलिट एक्सप्लोरर एक्स अंतरिक्ष यान 3 दिसंबर 2018 को बेनु नामक क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा। ओसायरिस रेक्स को सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। इस अंतरिक्ष यान के मिशन में क्षुद्र ग्रह बेनु का करीबी सर्वेक्षण शामिल है। यह नासा के नए फ्रंटियर्स कार्यक्रम का हिस्सा है।